कुछ कुछ मीठा बना रही हो? हाँ फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, जो तुम्हें नहीं पसंद। पसंद तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन कर लिया ना बर्दाश्त मैंने, ये भी कर लूंगा। तुम्हारे लिए अंडा पराठा बना देती हूँ मैं, खा के चले जाना। और हाँ वो लंच बॉक्स रेडी कर दिया, खाला बता रही थी रोज तुम्हें बाहर का खाना खाना पड़ रहा है इसलिए। हाँ वो सानिया अभी भी थोड़ी वीक है, बच्चे की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन बिना तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम हम सबका बहुत ख्याल रखते हो। अपनों के लिए करना पड़ता है अजमान। कुछ ऐसे अपने होते हैं जो जानबूझकर अपनों को पराया कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि रोज रोज ये जानबूझ के बोरी बिस्तरी बातें याद करें। इंसान अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दे तो बार बार चता चता के उसको जाया नहीं कर देते। तुम्हारा टिफिन रेडी है, यहाँ से ले जाना। बिना तुमने नाश्ता बना दिया, शुक्रिया बेटा, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। मुझे आपके लिए सानिया करना अच्छा लगता है। ये बता आपकी तबीयत कैसी है? आप अभी तो बेहतर हूँ, शायद थक गई थी ना इसलिए बुखार चढ़ गया था मुझे। जब भी कोई काम हो ना बिना झिझक आपने मुझे बोलना है, ठीक है? शुक्रिया बेटा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम हमारे सारे काम इतनी मोहब्बत से करती हो। अच्छा मम्मी, मैं चेंज करके ऑफिस जा रहा हूँ, जरूरी मीटिंग है। ठीक है बेटा, ये याद से ले जाना। ओके, हाय जान, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप आगे खा लो। ठीक है, कैसी बदनसीब हैं हम सब औरतें। ना मैं तुम्हें बहू बना सकी, ना आरिफा आपा तुम्हें बेटी बना सकी, और ना रिफत तुम जैसी बहू को संभाल सकी। बिना काश मेरा एक और बेटा होता तो मैं तुम जैसी लड़की को बहू बनाकर मानो दुनिया में जन्नत पा लेती। तुम रोशनी हो, नूर हो घर का,